अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिनकी हंसी ज़्यादा खूबसूरत होती तो उनके दर्द भी बहुत गहरे होती गते। तो अभी इंशाल्लाह मैं आपको ये सत्यानाशी पौधा, इसका एक ऐसा फ़ायदा बतलाता हूँ जो घर बैठे इंशाल्लाह जिनको भी फिस्तुला है उन्हों नेचुरली क्योर हो सकते और नामर्दाना ताकत भी ख़त्म हो सकती है इंशाल्लाह। अभी मेरे भाई आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको 7 साल से औलाद नहीं थी, तो बहुत सारे साहेबों के पास गए और बहुत सारे हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह। कितने महीने पहले आए थे माँ? 2 महीने पहले आए थे और अल्लाह का फजल है कि इलाज भी शुरू करे और रिजल्ट भी आया आपको। आया अल्हम्दुलिल्लाह। कितने कहाँ कहाँ गए थे आप? बहुत जगह गए सर, मिनिमम 10-12 जगह तो गए। 10-12 जगह गए थे। कहाँ? दरगाह भी गए थे क्या? दरगाह, डॉक्टर, आयुर्वेदिक पूरा होगा। हाँ, तो मेरे पास कितने दिन बाद आए? 2 महीने हो गया। मैं जाके टेस्ट कराए। हाँ, टेस्ट। कहाँ? हॉस्पिटल में टेस्ट कराए, घर पे? हॉस्पिटल में। क्या बोले हॉस्पिटल में? सक्सेसफुल हुआ बोले। अल्हम्दुलिल्लाह। तो परहेज वगैरह सब कैसा कर रहे हैं? परहेज पूरा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। शादी हो कितने साल? 7 साल हो गया। 7 साल। अभी आपके माँ क्या, आप क्या हो ना माँ? आप माँ हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो 2 महीने पहले आए थे आप? हाँ, तीसरा महीना है अभी। हाँ। तो कितना महीना चल रहा है उनको? तीसरा चल रहा है। जाते ही दवा शुरू करते ही रिजल्ट आ गया। परहेज वगैरह सब कर रही? हाँ। तो कहाँ से आए आप? जेवरगी से। क्या बोले डॉक्टर जो दिखा रहे थे आप? नहीं, होता बिल्कुल बोले थे। होता नहीं गए थे? थक के चुप बैठे थे। फिर तुम्हारे तरफ ख्याल आया। मेरा एड्रेस कैसा मिला आपको? यहाँ गुलबर्ग से मिला। हाँ, तो यहाँ बताएंगे एक बार इनके पास में। कितने साल बाद? 7 साल बाद। तो पहले महीने में रिजल्ट आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करिए कि मेरे भाई को इंशाल्लाह अल्लाह ताला नेक सौले औलाद अता करे इंशाल्लाह, और वो औलाद से अल्लाह ताला दीन का काम लें इंशाल्लाह। दीन का काम लें, अच्छी तरबियत और एक अच्छी तालीम इंशाल्लाह मिलें। और जितने भी पेशेंट्स को मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स आते, लोगों को जब रिजल्ट्स मिलता तो उन्होंने गायब हो जाते, बोलते नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई आके बोले, बहुत खुशी हुई। अब आके बोल के गए तो भी बस है। मैं वीडियोस नहीं लेता हूँ, एक बात कान खून लियो, मैं वीडियोस नहीं लेता हूँ, मैं पहले इजाज़त लेता हूँ आपकी। इजाज़त भी कईयों को किसी की टाइम मिला तो लेता हूँ, नहीं तो बिजी रहता हूँ ना, इजाज़त भी नहीं लेता हूँ। डरो मत आप, ठीक है? नहीं, आप खाली बैठ के फॉलो कर लियो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यूजुअली एक बात है, रेमेडी से तैयार हो गए यूजुअली अल्हम्दुलिल्लाह। परहेज कैसा कर रहे हो? परहेज करेक्ट से कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो तीसरा महीना चल रहा? तीसरा महीना। अल्लाह का फजल करम है, ठीक है? नहीं, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे दाने खुश है, पूरे परिवार। क्या बोले? पूरे परिवार के लोग खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह। रो रही सो? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, जितने भी लोग बे औलाद हैं, जस्ट रेमेडीज आप फॉलो करिए इंशाल्लाह। उसके बाद अगर आपको फ़ायदा नहीं दिख रहा तो आके मुझसे मुलाकात करिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थोड़ा परहेज़ करना और रेस्ट करना, कर रहे ना अच्छे से? थोड़ा कमज़ोरी हो गई उनको, परहेज़ से। हाँ, परहेज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप परहेज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको इंशाल्लाह। तो परहेज़ 5 महीने तक का रहता, औरत के लिए रहता परहेज़, ठीक है? तो उनको गर्म चीज़ें नहीं देना, फोन से भी ठंडी के चीज़ें देना, दाल खाना, हरी मिर्ची नहीं देना, लाल मिर्ची दे सकते, ठीक है ना? दाल खाना, छाछ खाना, दूध खाना, नारियल का पानी 2 से 4 बार होना तो दे सकते आप, नारंगी दे सकते, अगर ज़रूरत पड़ी तो बकरी का गोश्त दे सकते, ठीक है ना? ये उनके डाइट में दियो 5 महीने तक। कुछ भी वज़न काम नहीं करना, कुछ भी जो है ट्रैवलिंग नहीं करना। तो इंशाल्लाह 5 महीने तक रिजल्ट तो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। 5 महीने बाद थैली मजबूत हो जाती, जिससे बच्चा अंदर सेफ होता, बाद में इंशाल्लाह परहेज़ तोड़ सकते, ठीक है ना? तो सच्चे दिल से इबादत, 3 चीज़ें याद रखो अपनी ज़िंदगी में, अगर आप करेक्ट से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके काम में कामयाबी होंगी। पहला,
काम आप जो भी काम करती हैं दिल से और खुशी से करना, यानी अगर आप बेजारगी से करें तो काम में कामयाबी नहीं मिलती, फेल हो जाते। दूसरा मोहब्बत, आप किसी से भी मोहब्बत करो, दिल से मोहब्बत करें तो उसमें रिजल्ट, यानी नहीं खाली दिखावे की मोहब्बत, दौलत देखे मोहब्बत, सूरत देख के मोहब्बत करें तो बदले में मोहब्बत नहीं मिलती, क्या मिलता, धोखा। यानी तो पहले काम, दूसरा मोहब्बत, तीसरा इबादत। ये इबादत भी दिल से करना, यानी दिखावे के वास्ते नहीं, बोल रही तो नमाज पढ़ती नहीं तो नहीं, यानी तो अल्लाह को डर को और अल्लाह की सच्ची मोहब्बत में आप शिर्क से तौबा करते हुए तागे तावीज नारल नींबू किसी और के ऊपर यकीन लाए बगैर अल्लाह की नियामतों पे यकीन लाते हुए आप कोई भी अल्लाह की नियामतों अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जो आप इबादत कर रही हैं अल्लाह ताला के लिए वो इबादत में कामयाबी मिलेंगी इंशाल्लाह। ये सत्यानाशी पौधा ये आपके घरों के आस पास मिलता, ऐसा काटे काटे आते देखो, यानी तो इसकी जड़ को सुखा के इसका पाउडर बना के एक गिलास दूध में डाल के पिए तो मर्दाना ताकत बढ़ती है इंशाल्लाह। बहुत सारे हकीमा इसके गोलियां बना के बहुत सारे पैसों को बेचते भी, लेकिन इंशाल्लाह ये सत्यानाशी जड़ में नामर्दानगी ख़त्म हो जाती है इंशाल्लाह और आप हमेशा जवान रहते, ताकत रहती ज़बरदस्त आप, ठीक है। और एक बात क्या है, ये सत्यानाशी जड़ को जो है घस के नींबू के रस में, नींबू के रस में घस के फिस्तुला पे लगा देंगे तो इंशाल्लाह फिस्तुला भी कट के झड़ जाता है इंशाल्लाह, ठीक है। एक से चार बार लगाओ इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाता, ठीक है ना। तो सत्यानाशी की जड़ को नींबू में, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं आने वाला हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान है रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे प्यारे माँ बहनों, 10 तारीख को महबूब नगर, हर महीना इंशाल्लाह 10 तारीख को महबूब नगर में दारुल उलूम मदरसा जटचरला महबूब नगर मेन रोड हाईवे रोड दारुल उलूम सबील नगर, ठीक है। 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी शोर गुम्बज रिंग रोड, 6 तारीख को बीदर में जामिया हाशमिया दुल्हन दरवाजा चुना भट्टी, 8 तारीख को रायचूर में अल सलामा फंक्शन हॉल, 9 तारीख को कर्नूल में ANR नमस्ते फंक्शन हॉल इंशाल्लाह, 10 तारीख को महबूब नगर में, फिर 17 तारीख को मैसूर में मिलूंगा ओल्ड एज होम इंशाल्लाह, 18 तारीख को होसूर में मिलूंगा इंशाल्लाह। होसूर का एड्रेस बदल गया, मैं फेसबुक पे अपलोड कर देता हूं इंशाल्लाह। मेरा फोन नंबर 9900364957954131 8197041411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।